ये तो पूरा देश भगवा का ही है, क्योंकि हमारे देश में जो अग्नि की लौ निकलती है केसरिया होती है। हमारे देश का आजादी का पहले का झंडा तो केसरिया ही था। जब सूर्य भगवान उदय होते हैं तभी उनका भगवा रंग रहता है, और जब अस्त होते तभी उनका भगवा रंग रहता है। इसलिए जब सूर्य की रोशनी से होती है तो भगवा पूरा देश भगवा है। क्या इंग्लिश मीडियम स्कूल को बंद किया जाना चाहिए? इस पे हमारे एक्सपर्ट विचार कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा दिनों तक बच्चों का भविष्य अंधकार में ना हो, कुछ हम भी इस पे असेसमेंट कर रहे हैं, और इसके माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी बना दी है, वो सब इस पे विचार करके सार्थक निर्णय करेंगे। डोटासरा पेपर लीक कांड को लेकर कहते हैं कि एक चूहा नहीं पकड़ पाया, मगरमच्छ को क्या पकड़ेंगे? मुझे पता नहीं ये चूहा है कि मगरमच्छ है। कांग्रेस नहीं तो उनके रखवाले रखे थे, कांग्रेस नहीं तो के नेता तो राजीव गांधी स्टडी सर्कल में थे, उन्होंने तो चाबी दी थी। पर अब धीरे धीरे जांच बढ़ रही है, मगरमच्छ कब तक बचेंगे? सारे मगरमच्छ पकड़ में आएंगे और जेल में जाएंगे। इनके छोटे छोटे लोग तो जो इनके थे ना प्यादे, वो तो जेलों में ही, आपको पता है। स्कूलों की शिक्षा में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन करने की? देखो स्कूलों में शिक्षा गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले इसकी चिंता हम कर रहे हैं, संस्कार युक्त शिक्षा मिले इसकी चिंता हम कर रहे हैं। और इसलिए आपने देखा होगा फर्स्ट शिक्षा में हमने कहा कि स्कूल में कोई भी मोबाइल लेकर नहीं जाएगा। मोबाइल लेकर जाने से बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान होता था, और टीचर भी पढ़ाते पढ़ाते उनकी तारतम्यता टूट जाती थी। अब जब कुछ दिन हो गए उनको बंद हुए तो सब लोग इस बात की प्रशंसा कर रहे हैं, और अध्यापक इस बात को करें कि साहब आपने बच्चा अच्छा किया, नहीं तो हम न चाहते भी मोबाइल हाथ में लेते थे, देखते थे, कुछ करते थे, उससे बच्चों को लाभ हुआ है। हमने ये भी कहा कि कोई भी बालाजी भैरू जी और नमाज पढ़ने के नाम पर विद्यालय नहीं छोड़ेगा। मेरी जानकारी में अभी तक लगभग सब इस बात का पालन कर रहे हैं, और कहीं ऐसा होता हो रहा होगा जानकारी में आएगा सख्त कार्रवाई करेंगे। देखो जब तक कोई फाइनल निर्णय नहीं जाएगा इस पर भी कोई चर्चा नहीं करेगा। अरे भाई ये तो सर्वविदित है कि बटेंगे तो कटेंगे, और हमेशा होता है जब जब कमजोर हुआ है देश या हिंदू समाज तब तो उसको नुकसान हुआ। ये नीचता की दृष्टता है। वहाँ की सत्ता पक्ष की जो है उनको कांग्रेस समर्थन कर रही है, और कांग्रेस इस बात का समर्थन किया है कि धारा 370 वापस बहाल होना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ? सारे जितने भी देश के अनुसूचित जाति के लोगों को है उनको वहाँ काश्मीर में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, एसटी के लोगों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ओबीसी के लोगों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, दिव्यांगों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, और फिर वहां तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाना चाहिए। कांग्रेस ही चाहती है कि तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाए, भारत माता की जय नहीं बोली जाए, भगवान राम की जय नहीं बोली जाए। और इसीलिए तो कांग्रेस ने समर्थन दिया है कि तिरंगा झंडा क्यों फहरे वहां हिंदुओं को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, यह कहना चाहती है। ऐसे लोग हैं नीच और निकम में जो तिरंगा झंडा का विरोध करते हैं कि नहीं बनाया जाना चाहिए, यानी कांग्रेस तिरंगा झंडे का विरोध करती है कश्मीर में, इसीलिए तो धारा 370 का समर्थन किया। भगवान राम का विरोध करती है इसीलिए तो धारा 370 का समर्थन कर रहे हैं वो लोग कि होना चाहिए। और आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीर में जब आतंकवादी हमला करते थे ना तो हमारी सेना को उन पर गोली चलाने का तुरंत अधिकार नहीं होता था, पूछना पड़ता था दिल्ली से, और हमारे सैनिक पीटते रहते थे, यानी हमारे सैनिकों के भी दुश्मन बन रही है कांग्रेस, इसीलिए वहां धारा 370 वापस लाना चाहती है। 41,000 लोग बलिदान दे चुके हैं कश्मीर में अभी तक जब से धारा 370 लागू हुई है। 31,000 लोगों के बलिदान की या हत्या करवा कर भी कांग्रेस खुश है कि अब और हत्या करवानी है हमको, इसलिए वहां धारा 370 लाएंगे, और मरवाना है हिंदुओं को, और मरवाना है हमारे सैनिकों के लोगों को, इसलिए हमारी सेना के लोगों को मरवाना चाहती है, हिंदुओं को मरवाना चाहती है, इसलिए धारा 370 का समर्थन कर रही है। देखिए रघु शर्मा ने कांग्रेस का सपना पूरा होगा कदापि नहीं होगा, कदापि ये मुंगेरी लाल के सपने देखते रहे। अब धारा 370 ये क्या, इनका बाप भी नहीं ला सकता हो बस।
अब रघु शर्मा कतलेआम पर उतरना चाहता है तो करके तो देखे, नानी याद करा देंगे किसका कतलेआम करता है।